क्लास का रजिस्टर्ड कॉन्ट्रेक्टर हूँ। कब से टेंडर डाल रहे हैं, कितने पुराने आप, काफी समय से बता रहे हैं? मेरे को 22 साल हो गए यहाँ सिंचाई विभाग में, वैसे मैं 28 साल हो गए मुझे पीडब्ल्यूडी से। क्या हुआ आज आप लोग साथ यहाँ? जब टेंडर डालने आए तो यहाँ कुछ अराजक तत्व मौजूद थे जिन्होंने धक्का मार के हमको बाहर कर दिया। डाल पाए आप टेंडर? हाँ, टेंडर बाद में डाले हमने, यहाँ के दरोगा जी ने हमसे डरवाया पुलिस ने। तो क्या लगता है कि जो टेंडर डाले गए निष्पक्ष तरीके से काम हो रहा है? निष्पक्ष तो कुछ नहीं हो रहा है इसमें, जो बात है ये ई टेंडरिंग ज़्यादा बेटर है। ई टेंडरिंग हो जाए तो उसमें किसी का भी नहीं। कौन लोग थे ये मारने वाले जिन लोगों ने धक्का दिया, क्या जानकारी है? धक्का देने वाले अराजक तत्व थे जो बाहर के, जो यहाँ रजिस्टर्ड ठेकेदार नहीं है, कभी मैंने उनको यहाँ देखा नहीं, मैनेज करने की बात देखा है। और वो आपके डाला जाना था, 12 बजे तक टाइम था, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला देखा, मैंने पुलिस फोर्स बुलाया, पुलिस फोर्स आने के बाद कोई खास बवाल नहीं हुआ, अंदर सब टेंडर डाल रहे थे। बाद में पता चला किसी का बैग छीना गया, जब मैं बाहर निकला तो उसका भी टेंडर पड़ गया और मैंने टेंडर इसीलिए आधा घंटा बढ़ा भी दिया था। कार्यालय परिसर में ही मारपीट हुई है यहाँ पे जो टेंडर डालने आए? कार्यालय परिसर में मैं मारपीट होते नहीं देखा, मैं अंदर था और अंदर सब टेंडर ठीक ठाक कर रहे थे। जो पीड़ित का आरोप है कि कार्यालय से उसका बैग छीनकर जो टेंडर था उसमें वो लेके गए हैं, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझे बाद में जानकारी। फिर किस आधार पर? उसके बाद जो पीड़ित था उसका भी मतलब डाल दिया गया टेंडर, आके डाल दिया। नहीं, जब आप अंदर थे आपको कुछ पता ही नहीं तो फिर कैसे आपने टेंडर करा दिए? आपने मतलब टेंडर जहाँ पड़ रहा था वहाँ आपने एक बार नहीं जाके देखा? नहीं, टेंडर जहाँ पड़ रहा था मैं वही तो था। उन्नाव के सिंचाई विभाग में एक टेंडर के दौरान सत्ता पक्ष के लोगों की जमकर गुंडई देखने को मिली। सत्ता पक्ष के लोगों ने न सिर्फ टेंडर डाल रहे लोगों को जमकर पीटा बल्कि उनके टेंडर भी छीन लिए। खास बात यह है कि ये सारी दबंगई पुलिस की मौजूदगी में होती रही और पुलिस सिर्फ मूक दर्शक ही बनी रही। वहीं जब मीडिया कर्मी यहाँ मौके पर पहुंचे उसके बाद पुलिस के अधिकारी हरकत में आए और बवाल कर रहे लोगों को यहाँ से खदेड़ा है। लोगों की माने तो विधायक अनिल सिंह के समर्थकों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस के अधिकारी अब पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। उन्नाव से वीरेंद्र यादव, ईटीवी भारत।